हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रोग निदान पेपर टू दैट इज़ उन्माद इस वीडियो में हम उन्माद अध्याय के बारे में जानेंगे ओके उन्माद को क्या है साइकोसिस कहा जाता है अगर हम कंपेयर करें मॉडर्न से तो इट इज़ कोरिलेटेड विद साइकोसिस ओके नाउ द फर्स्ट थिंग हमें समझनी होगी उन्माद उन्माद मनोवह श्रोतस की प्रमुख व्याधि है ठीक है जो श्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है ठीक है वह कौन सा है मनोवह श्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है अब हम बात करें उन्माद उन्माद में आठ प्रमुख मानस भावों का वर्णन किया गया है आचार चरक में संहिता निदान स्थान में चरक संहिता निदान स्थान में क्या है आठ ऐसे मानस भावों का वर्णन किया गया है जो कि दुष्ट हो जाते हैं यानी जिनकी दुष्टि हो जाती है उन्माद रोग में कौन से कौन से हैं उन्मादम पुनर्मानो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रम विदात ठीक है इन सब का क्या होता है विभ्रम हो जाता है यानी मन दैट इज़ माइंड बुद्धि यानी इंटेलिजेंस संज्ञा ज्ञान दैट इज़ ओरियंटेशन स्मृति यानी मेमोरी भक्ति यानी डिवोशन शील यानी ईल यानी हैबिट्स एंड टेम्परामेंट देन उसके बाद है चेष्टा ट इज साइकोमोटर एक्टिविटीज एंड आचार दट इज बिहेवियर तो ये जो आठ भाव हैं, ठीक है इनका क्या होता है इन आठ भावों में विकृति हो जाना दट लीड्स टू उन्माद इन आठ भावों में विकृति होने से क्या है उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है ओके okay. नाओ उन्माद की हम निरुक्ति के बारे में देखते हैं तो उन्माद की निरुक्ति में बताया गया है उद उपसर्ग युक्त मद धातु से घ प्रत्यय यानी उपसर्ग है उद मद धातु घा प्रत्यय से उन्माद की व्युत्पत्ति हुई है यानी मन में भ्रम पैदा होना भागवत ने क्या बोला है उन्मादो नाम मनसो दो उन्मार्ग मद शरीर मानस दुष्टे ये आचार्य भागवत ने उन्माद के बारे में कहा है यानी शारीरिक और मानसिक दोष यानी शारीरिक दोष पित्त कफ एंड मानसिक दोष रजतम जब दुष्ट होकर उर्दू गमन करते हैं देन वो मन को विभ्रम में कर देते हैं यानी मन में विभ्रम उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहा गया है उन्माद कहा गया है उन्माद की अगर निदान की बात करें तो आचार्य चरक ने उन्माद के निदानों का वर्णन किया गया है विरुद्ध दुष्ट असूचि भोजनानी प्रदर्शनम गुरु आदि जानाम उन्माद हेतु भय हर्ष पूर्वो अभिघातो विश्वास चेष्टा यानी विरुद्ध दुष्ट असूचि भोजनानी जो कि देश काल संयोग वीर आदि के दुष्टि से विरुद्ध भोजन ठीक है जैसे विरुद्ध आहार का आयुर्वेद बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है विरुद्ध आहार करना यानी मछली और दूध का ठीक है इनको मिक्स करके खाना ऐसे कुछ विरुद्ध आहार हैं उनका सेवन करना असूचि यानी यानी अपवित्र भोजन करना ठीक है विषाक्त या फिर सड़ा गला भोजन करना देव गुरु ब्राह्मणों का तिरस्कार या फिर अपमान करना ठीक है अतिहर्ष अति भय होने से मन पर क्या होता है आघात लगता है और जिससे क्या है उन्माद की उत्पत्ति होती है तो ये सारी कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स ओके सो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स बताए हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक जो कि उन्माद को कॉज करते हैं अब हम बात करते हैं संप्राप्ति के बारे में उन्माद की संप्राप्ति तो आचार्य चरक ने एक श्लोक में वर्णित किया है उन्माद की संप्राप्ति तैर अल्पसत्वस मला प्रदुष्टा बुद्धि प्रदुष्या हृदय प्रदूष्य श्रोतांशविष्टाया मनोवाहनी प्रमोहत्याशु नरस्य चेत यानी जो व्यक्ति अल्पसत्व यानी जिनका मनोबल बहुत हीन होता है यानी वो बहुत अल्पसत्व वाले होते हैं उनके शरीर में क्या होता है दोष जब दूषित हो जाते हैं तो वह जो बुद्धि के निवास स्थान यानी मस्तिष्क और जिसे हम हृदय कहते हैं उसको दूषित कर देते तो यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया है कि जो होता है उसका क्या है अधिष्ठान है तो यहाँ पर शीघ्र ही मनुष्य का जो मन है उसको वो विभ्रम करके शुद्ध कर देते हैं और व्यक्ति साइकोसिस जैसे सिम्टम्स उसके अंदर क्रिएट होने लगते हैं और उसमें उन्माद रोग की उत्पत्ति हो जाती है तो हम एक फॉर्म में इसको देख लेते हैं कि जब दोष आदि निदान के सेवन से क्या होता है दोष आदि का प्रकोप होता है ठीक है दोष आदि का प्रकोप हुआ जैसे शारीरिक और मानसिक दोष दोनों ही हो गए उसके बाद क्या होता है शारीरिक और मानसिक दोनों ही दोष हो गए उसके बाद हृदय यानी मस्तिष्क में स्थान संश्रय होता है ठीक है देन उसके बाद जो श्रोतस है मनोवह और संज्ञा व शोधस की दुष्टि हो जाती है इन दोनों शोतस की यहाँ पर दुष्टि होने से क्या है उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है तो ये हमारी संप्राप्ति है उन्माद रोग की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए क्योंकि रखना है उसके बाद अगर हम बात करें उन्माद के सामान्य लक्षण के बारे में जो उन्माद के सामान्य लक्षण हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, धी धी विभ्रम सत्व परिपलश्व पर्याकुला दृष्टिधीरता चा अवध वाकुत्व हृदय चा शून्यम सामान्यम उन्मादगत्य लिंगम धी धी भ्रम यानी जो बुद्धि है ठीक है जो बुद्धि है उसका क्या है आत्म ज्ञान न होकर विशेष रूप से भ्रम उत्पन्न होना यानी भ्रम का उत्पन्न होना ठीक है उसके बाद क्या है मन का व्यग्र या चंचल होना मन का व्यग्र या फिर चंचल होना और दृष्टि धीरता यानी जो नेत्र हैं उनका क्या है व्याकुलता उनमें व्याकुलता रहना इधर उधर नेत्रों का चलाना धैर्य का ह्रास होना और अनअवसर या फिर किसी भी बात पर वह असंबंध बात करना या फिर जो टॉपिक से रिलेटेड अनरिलेटेड कुछ भी बोलते रहना और ये सारे जो हैं एक स्पेसिफिक लक्षण हैं जो कि उन्माद के रोगी में देखे जाते हैं अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो उन्माद के जो टाइप्स हैं वो पाँच होते हैं ठीक है फाइव टाइप्स होते हैं कौन से कौन से हैं वातज वातज पित्तज कफज़ एंड आगंतुज एंड सन्नीपातज ठीक है तो ये पांच भेद हैं जो कि उन्माद के हैं सो so, इस वीडियो में हमने उन्माद का जो बेसिक है वो हमने इस वीडियो में देखा है एंड नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे चिकित्सा का जो वर्णन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर आप इस YouTube चैनल पर नए तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें